नमस्कार दोस्तों, मेरे पास इस समय बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिन्हें ब्रीथलेसनेस काफ़ी आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उनका दम फूलता है और ये समस्या इन्फेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा हो रही है। 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, यहाँ तक कि 6-6 महीने में भी उनकी ये समस्या ठीक नहीं हो पा रही है और वो मेरे पास आते हैं, ऑनलाइन भी पूछते रहते हैं और क्लिनिक में भी काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं। तो आज मैं रिकवरी सीरीज़ के इस वीडियो में आपको हाफी की होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। इसको लेने से आपकी जो हाफी आने की समस्या है, जो दम फूलने की समस्या है, जो ब्रीथलेसनेस की समस्या है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और सिर्फ 15 दिन आप ये मेडिसिन लेंगे, आपको बहुत आराम लगेगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सीधा आते हैं पॉइंट पे और सीधा इस वीडियो में हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे। बाकी मैंने आपको लंग्स में क्या इन्फेक्शन होता है, क्या होता है, ये सब बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है। तो मैं इस वीडियो के मैसेज सेक्शन में उन वीडियोस के लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। सीधा हम पॉइंट पे आते और होम्योपैथिक मेडिसिन पे आते हैं। तो सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है एरेलिया रेसिमोसा। दोस्तों एरेलिया रेसिमोसा ब्रीथलेसनेस के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन में से एक है। ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। इसको लेने से जो हाफी आपको आ रही है वो आना कम हो जाएगी, धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगी और बहुत तेज़ जो दम फूलता है उसमें भी तुरंत आपको आराम लगता है। जो सांस तेज तेज चलती है उसमें भी आराम लगता है। ये COPD के केस में, अस्थमा के केस में और अभी जो ब्रीथलेसनेस हो रही है इन्फेक्शन के बाद, उस केस में हमेशा दी जाती है होम्योपैथी में। तो एरेलिया रेसिमोसा आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें। अगर आपको हल्का भी चलने में हाफी आती है, यहाँ तक कि लेटने तक में आपको हल्का सा हाफी आती है, ब्रीथलेसनेस की समस्या है, तो एरेलिया रेसिमोसा 30 CH पोटेंसी में आप 2 बूंद सुबह पिए और 2 बूंद दोपहर में पिए और 2 बूंद रात में। तो मान लीजिए मेरे पास एरेलिया रेसिमोसा 30 है, 2 बूंद डायरेक्टली टंग में डालना है, टपकाना है, सुबह एक बार पीना है, दोपहर में एक बार पीना है और एक बार रात में पीना है। ये मेडिसिन आप 15 दिन तक ज़रूर लीजिएगा। इस वीडियो में सबसे अच्छी, सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन मैं लास्ट में बताऊँगा। तो दूसरी जो मेडिसिन है वो है ग्रैंडिएला। दोस्तों ग्रैंडिएला ब्रीथलेसनेस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अस्थमा के केस में, COPD की केस में, ये आपके लंग्स पूरी तरीके से कमज़ोर हो गए और उसके कारण आपको हाफी आ रही है और आप अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो ग्रैंडिएला बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। ब्रीथलेसनेस आपको इतनी लगती है कि लेटते समय भी ब्रीथलेसनेस होती है, चलने फिरने में हाफी आती है, सीढ़ी चढ़ने में हाफी आती है, थोड़ा सा बात करने तक में आप हाँफ देते हैं, हाफी की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो ग्रैंडिएला यूज़ करें। ग्रैंडिएला आप मदर टिंचर में लें, पिक्चर आपको दिख ही रही है। ग्रैंडिएला मदर टिंचर आप लगभग 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में, आधा कप गुनगुना पानी लीजिएगा, उसमें 20 बूंद डालिएगा ग्रैंडिएला मदर टिंचर और उसे पी लीजिएगा। ऐसा आप दिन में 4 बार करिएगा, सुबह, दोपहर, शाम और रात को। ये मेडिसिन आप 10 दिन तक लीजिए, उसके बाद दिन में 3 बार लीजिए 10 दिन और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसके बाद आप अपने हिसाब से देखिए कि कितना ठीक हो गई है। अगर 80% ठीक हो गई है तो 1-2 महीने आप इसे कंटिन्यू कर लीजिए। अगर पूरा ठीक हो गई है तो धीरे धीरे करके ये मेडिसिन बंद कर दीजिए। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन, एस्पीडो स्पर्मा मदर टिंचर। इस मेडिसिन के बारे में आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, बहुत सारे सिम्टम्स पढ़ चुके हैं और बहुत सारे वीडियोस भी देख चुके हैं। मैंने भी काफ़ी वीडियोस बनाए और बहुत पहले 3-4 साल पहले मेरा एक वीडियो था और वो आपने काफ़ी देखा है। और उस समय मोस्टली COPD अस्थमा के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन थी, लेकिन इस बार रिकवरी के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। ये आपके जो लंग्स में कफ जमा होता है उसे ठीक करती है, लंग्स को फिर से रिस्टोर करती है और साथ ही साथ जो एल्वोलाई है उसको इम्प्रूव करती है और जो ब्लड फ्लो है लंग्स का उसे भी इम्प्रूव करती, ये सब करती है। इसलिए आपको जो हाफी आने की समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो ब्रीथलेसनेस के लिए सबसे बेहतर मेडिसिन एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर ही है। हालांकि इस समय वीडियो बना रहा हूँ, इस समय काफ़ी सारे अजीब सी एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर आ रही हैं, तो कंपनी का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अच्छी कंपनी की
जेन्युइन मेडिसिन ही लीजिएगा जिससे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले। तो आप SBL की या WSI की या डॉक्टर रेक्वेक की एस्पिडोस परमा मदर टिंचर ही लीजिएगा। इसके अलावा कोई और कंपनी मिले तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तभी मेडिसिन लीजिएगा, नहीं तो पता चला आपने मेडिसिन ली आपको आराम नहीं लगा और आप बोले कि नहीं मैंने तो कुछ बताया ही नहीं था। तो मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ कि अच्छी कंपनी की एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर लीजिएगा। एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर को भी आप आधे कप गुनगुने पानी में लगभग 10 से 15 बूंद मिलाइए और उसे भी आप दिन में 4 बार लीजिए। ग्रैंडियोला और एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर में आप कम से कम आधे घंटे का अंतर जरूर दीजिएगा जिससे रिजल्ट्स आपको अच्छे मिले। ये मेडिसिन आप 15 दिन तक लेंगे आपकी समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। मान लीजिए अगर 100 लोग मेडिसिन लेते हैं और जिन्हें हाफी आ रही है तो लगभग 80% लोगों की समस्या 15 दिन में ठीक हो जाएगी, 20% लोगों की समस्या लगभग 1 से 1.5 महीने में ठीक हो जाएगी। तो लंग्स कितने कमज़ोर हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अच्छी मेडिसिन है ज़रूर यूज़ करके देखें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये सभी मेडिसिन आपको होम्योपैथिक शॉप में आसानी से मिल जाएंगी और बहुत महंगी भी नहीं है, सस्ती हैं। आपको लगभग मान लीजिए अभी एस्पिडोस्पर्मा की डिमांड ज़्यादा है, थोड़ी महंगी मिल रही है, लेकिन फिर भी 200-250 के अंदर एस्पिडोस्पर्मा, 150 के अंदर ग्रैंडियोला मदर टिंचर 30 ml में, और 30 ml में आप अगर SBL या WSI की लेते हैं एरेलिया रेसिमोसा 30 तो वो अप्रॉक्स 110 रुपये की मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से अप्रॉक्स रेट लगा लीजिए, बहुत ही सस्ती बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ये मेडिसिन है। और इसके अलावा आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सफिशियंट मेडिसिन है। अगर वीकनेस और हो तो आप अल्फा टॉनिक विथ ABCD एक ढक्कन सुबह दोपहर शाम पी लीजिएगा, वीकनेस की भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ये सफिशियंट मेडिसिन से ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दे गए तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दे गए तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप नीचे शेयर की बटन दीजिए, तो अगर वीडियो को बहुत अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा। और मैसेज सेक्शन में आपको कुछ पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, और को किसी वीडियो को आपको नया टॉपिक पे वीडियो देखना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा वो वीडियो बनाने की भी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।